राम राम दोस्तों, जय बोले की फ्रेंड्स। अभी हूँ हर की पेड़ी हरिद्वार पे और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस ब्लॉग में। यहाँ हरिद्वार से ना आपको पतंजलि योगपीठ तक का बीच का सफ़र देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या माहौल है और देखते हैं क्या क्या कवर हो पाता है। जो भी होगा आपको ब्लॉग में बने रहना, लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मेरा टारगेट है पतंजलि योगपीठ जाने का। वहाँ पर यहाँ से लेके वहाँ तक क्या माहौल है हाईवे पे सारा कवर करेंगे, तो देखते हैं भाई लास्ट तक देखना है। ओके, तो भाई यहाँ की तो भीड़ मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखा दी थी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पर देख के लाखों की संख्या में यहाँ पर यात्री, श्रद्धालु, कांवड़िए, भोले आए हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चेकिंग भी चल रही है, सुविधाएं भी पूरी हैं। इतनी पब्लिक को हैंडल करना आसान नहीं है, लेकिन सब कुछ सुचारू रूप से बढ़िया से चल रहा है। और अब मैं यहाँ से मार्केट से होता हुआ अपनी स्कूटी की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर आगे विष्णु घाट पर मेरी स्कूटी पार्क कर रखी है, तो चलते हैं अभी वहीं पर, सीधा मिलते हैं वहीं। तो भाई 15 मिनट की वॉक करने के बाद फाइनली अपनी स्कूटी तक पहुंच चुका हूं विष्णु घाट पे। अब यहां से निकलते हैं पतंजलि योगपीठ की तरफ हरिद्वार अपना हाईवे होते हुए। तो भाई हाईवे पे पहुंच चुका हूं माँ चंडी देवी चौराहे पे, और भाई यहां पर आपको बहुत ही ज़्यादा भीड़ दिखने वाली है। तो भाई मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है पतंजलि योगपीठ की तरफ। वहाँ जाने के दो पर्पज़ हैं, वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएंगे, नहीं तो मैं इतनी दूर जाता नहीं। ऑलरेडी मैं ऋषिकेश से 25-30 किलोमीटर हरिद्वार आता हूँ वीडियो बनाने के लिए, और फिर आगे इतना ही और आगे जा रहा हूँ। बस यार आप लोगों को कुछ अच्छा दिखा सकूँ इसलिए। तो भाई आप लोग भी थोड़ा अपना प्यार दिखाओ और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है यार। आपका कुछ नहीं लगेगा, लेकिन यार इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, जब आप लोग अपना प्यार देते हैं। तो जय गंगे मैया की। भाई सच में मेरे को ना ये नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं, जब ये भगवा ध्वज लहराता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है रियली में। तो भाई डीजे के जो सेटअप है ना इतने बड़े बड़े, वो आगे जाके ही मिलते हैं। एक रीज़न मेरा ये है, मैं ये सारे डीजे के सेटअप देखना चाहता हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ यही सब। हो सकता है इस ब्लॉग में देखने पर को मिले आपको टेस्टिंग या नेक्स्ट ब्लॉग में, बट आप लोग कोई भी ब्लॉग छोड़ना मत, देखते रहना, आपको सब कुछ अच्छा लगने वाला है। ये मेरा भाई मैं दिल से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए ब्लॉग, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। देखो यहाँ से दिल्ली 201 किलोमीटर है। तो भाई भोलों के लिए यहाँ पर लंगर लगा हुआ है। भाई जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में कांवड़िए नज़र आ रहे हैं, और ये भाई देखिए परिवार समेत जा रहे हैं ये। ये देखो भाई भोले ने बीच रोड पे अपनी कांवड़ लगा दिया है। तो भाई आप देख सकते हैं फ्लाईओवर पे आपको बहुत सारे भोले कांवड़िए, कोई झूला कांवड़, कोई कलश कांवड़ लेके जाता हुआ नजर आ जाएगा। इतनी भारी संख्या में मुझे उम्मीद नहीं थी कि यार इतने इतने ज़्यादा कांवड़िए यहाँ नज़र आने वाले हैं।
तो ये सिलसिला भाई लगातार चल रहा है, तभी तभी सरकार के जो आंकड़े आते हैं ना वो एकदम सही होते हैं भाई, ये सिद्ध करती है। ये सारे श्रद्धालु को देख के मुझे लग रहा है करोड़ों की संख्या में कांवड़िए पहुँचते हैं सावन के महीने में जल लेके, और ये सब लोग अपने घर के पास के मंदिर, कोई उत्तर प्रदेश, कोई हरियाणा, कोई दिल्ली और कहीं पंजाब से भी आए हुए हैं, इतनी दूर दूर तक की पैदल यात्रा करने वाले हैं। तो भाई ये सच में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि भोले के भक्तों में, ये देखो भाई जी को देखो भाई, पूरे में अपने शरीर पे चेन बांध रखी है और उन पे छोटे छोटे जल वो बांध रखे हैं। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, ऐसे नज़ारे आपको भाई यहीं पर ही मिल सकते हैं। ये देखो भाई भोले कितना वजन उठा के चल रहा है। ओ भाई जी क्या बात है। तो भाई दो भोले मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनको अपना कहाँ रोकना भाई जी? आगे और बोले क्या बात है भाई। बाकी देखो बड़ी सावधानी से मैं स्कूटी चला रहा हूँ, क्योंकि भाई जो ये यात्रा है ना ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा तो चलो देखो, हम खड़े भोले में बैठे हैं। हाँ देखो भाई इनके भोले मिल गए हैं, खास कर रहे भोले में। कोई बात नहीं, अभी पहुँच रहे हैं भाई। ठीक है, जय बोलेगी। तो जय बोलेगी बोल, ये कहाँ तक लेके जाओगे आप लोग? पूरा महादेव मेरठ में ना, तीसरी बारी पूरा महादेव के बारे में सुन लिया है। अब अंदर से मैंने पहले भी बोला था, बड़ी जिज्ञासा है, मैं भी आऊँगा जरूर दर्शन के लिए। मान्यता बता दो एक बारी, जो लोग नए जुड़े उनको वहाँ पर क्या मान्यता है वहाँ के शिवलिंग की? घटता भी है बढ़ता भी है। और ऐसे कोई हाथ में वो नहीं ले सकता, कोई नहीं भर सकता। चलो बहुत बढ़िया, जय बोलेगी, शंकर भगवान की जय। बहुत बढ़िया भाई, ये देखो भाई एक अलग ही नज़ारे हैं, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई बीच रोड पे ना मुझे एक ये कावड़ दिखी, तो मैंने रुक के यार अपना फोटो वोटो खींच रहा था, और भाई लोगों की है ये इसको झूला कावड़ बोलते हैं, विशाल कावड़। हाँ काफ़ी बड़ी है, विशाल कावड़ है, और ये साइडों में अलग ही नज़र आ रहा है भाई ये। तो आप लोग कहाँ से हैं? मेरठ लेके जा रहे हो? बच्चे बच्चे भी आए हैं पूरा परिवार के साथ है ना? चलो बहुत बढ़िया भाई, देखो छोटे छोटे बच्चे और सब में खूब जोश है, पैदल यात्रा कर रहे हैं। चलो एक बारी बहुत जोर की एक बारी भोले बाबा का जयकारा लगा दो। तो अभी मुझे ना पता चला है कि जो जितने भी बड़े बड़े साउंड सिस्टम है ना वो भाद्राबाद ही रोक दिए गए हैं, उससे आगे नहीं आया है। और यार जो ज़्यादा बड़े वाले थे जिनका क्रेज था मुझे, उसका अभी कोई गारंटी नहीं है कि वो देखने को मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि वो हो सकता है आगे चल पड़े हो, तो वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। अगर मैं देख पाया तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। बाकी ये नॉर्मल ट्रक वाले डीजे तो यहाँ पर भी दिख रहे हैं, बढ़िया रौनक हो रखी है। ओ भाई देखो छोटे छोटे भोले परिवार के साथ आए हुए हैं। देखो यार अगर ये जैसे भोले जा रहे हैं ना, अगर ये थोड़ा सा अगर लाइन में ही चले ना तो दिक्कत ना है। अगर कुछ केसेस आते हैं ना वो उनके साथ ही होते हैं जो यार बिल्कुल आउट होके चल रहे हैं। अब देखो ट्रैफिक तो अपने स्पीड पे चल ही रहा है, कहीं ना कहीं से फिर दिक्कत रहती है। देखो भाई लाइन से यहाँ पर ट्रक खड़े हुए हैं, और भाई मैं ना जैसे ही मुझे कोई दिखता है ना गलत ज़्यादा इस तरह वो चलता हुआ, तो भाई मैं उनको साथ के साथ बोल रहा हूँ
क्योंकि भाई फिर बाद में दिक्कत आए, इससे बढ़िया पहले टोक दो मेरे को। देखो मेरी स्कूटियाँ निकल जाएगी आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जो चोरी गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, हाईवे है तो फिर परेशानी होती है ना यार। या तो वो हॉर्न मारते रह जाएंगे, नहीं तो फिर बस दिक्कत ना है इसीलिए। तो भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, तो भाई इस चीज़ को समझना कि हमें भी ध्यान से चलना है ताकि हमें भी दिक्कत ना आए और किसी और को भी दिक्कत ना आए। अब ये देखो ये कैसे हॉर्न मारता हुआ गंदे तरीके से लेके जा रहा है, जबकि रोड खाली पड़ा है लेकिन ज़बरदस्ती हॉर्न बजाना है। ये भाई अद्भुत नज़ारे हैं, अद्भुत नज़ारे। और फ्रेंड्स एक हाथ से मैं चला रहा हूँ, अब देखो ये बोला देखो बीच में आ रखा है ना, चलो ये अपने आप ही अंदर हो गया, सही है। एक हाथ से मैं स्कूटी चला रहा हूँ और एक हाथ में मेरे मोबाइल है। और यार मेरी कोशिश ये है कि वीडियो ना अच्छी बने, जो ज़्यादा भार मतलब ज़्यादा हिले ना, मैं उस बात का ध्यान रखने की कोशिश कर रहा हूँ। बट अगर थोड़ा बहुत यार ऊपर नीचे हो जाएगी ना वीडियो, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना प्लीज़ हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पर ज़रूर वो लगा पड़ा है अपना भंडारा वगैरह, तभी यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। बहुत बहुत बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया रास्ता दी देते रहो साथ साथ। चलो बोले अब अंदर हो जाओ, थोड़ा अंदर की तरफ हो जाओ बोले। बोले थोड़ा अंदर चलो, बोले बोले थोड़ा अंदर। बोले अंदर थोड़ा, बोला बोले अंदर। देखो यार कुछ कुछ बोले ऐसे हैं जोश जोश में ना, ये कम से कम एटलीस्ट ना एक पट्टी तो छोड़ देनी चाहिए पूरी। अभी क्या है ना यहाँ पर झांकियाँ खड़ी हैं, पार्किंग हो रखी है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है। अब देखो ये सामने रॉन्ग साइड से आ रखा है, कितना गलत है ये चीज़। भाई मेरा तो ना वीडियो बंद ही नहीं हो रही है, लगातार ऑन कर रखी है मैंने, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं जो कि मैं वीडियो बंद ही नहीं कर पा रहा। देखिए यहाँ पर एक शिविर लगा हुआ है, मेडिकल कैंप है, जैसे किसी को कोई समस्या आती है तो उसका फ्री यहाँ पर ट्रीटमेंट हो जाता है। भाई लगातार बोले ना स्पीड से भाग रहे हैं सब, क्योंकि अब ज़्यादा दिन तो बचे नहीं जल चढ़ाने में, जो दूर वाले होते हैं वो पहले निकल जाते हैं। बाकी अब ये हो सकता है मैक्सिमम दिल्ली तक के ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। क्योंकि यार उत्तर प्रदेश से और दिल्ली से सबसे ज़्यादा कांवड़िया ना यहीं से आते हैं। ये देखिए सामने भाई कितनी बढ़िया झांकी जा रही है, पीछे से देखने में बहुत अच्छी लग रही है, अब आगे देखते हैं क्या है नज़ारे। प्रथम विशाल कांवड़ पद यात्रा बढ़िया थी यार, अच्छी लग रही थी, शिव पार्वती की झांकी थी। तो भाई ये नज़ारे तो भाई देखो, छोटा सा भोला एकदम, इतना छोटा भोला, ये देखो 4-5 साल का ही होगा ये, देखो भाई। चलो यार अभी वीडियो को बंद करता हूँ, थोड़ा सा रास्ता कवर करते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे आगे। देखो यार जैसे वीडियो बंद करने लगता हूँ ना तो आगे और नज़ारे दिख जाते हैं,
आगे भाई बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है, बहुत ज्यादा। तो भाई आपको हरिद्वार से भाद्रावास रुड़की की तरफ जाते हुए ना हजारों हजारों लाखों की संख्या में कांवड़िए नजर आ जाएंगे लगातार भाई। ये यात्रा आपको मतलब आपको जहाँ आपकी नज़र जाएंगे ना कांवड़िए ही कांवड़िए नज़र आने वाले हैं। कोई झूला कांवड़ लेके चल रहा है, कोई विशाल कांवड़, कोई कलश कांवड़, कोई अपना पैदल यात्रा ऐसा कर रहा है छोटा अपना जल लेके। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर आपको हर कितने तरह के नज़ारे आएंगे दिखेंगे। भाई अभी बड़ा जाम सा लगा हुआ था और अभी मैंने एक लाइव भी चलाई थी, देखो यार ये एक छोटा सा बोला भागता हुआ नज़र आ जाएगा आपको। और इस टाइम तो भाई देखो रोड की चौड़ाई बहुत कम हो रखी है हाईवे पे, और देखिए भाई बड़े सुंदर नज़ारे हैं। और इस टाइम डीजे भी आ रहे हैं पीछे, तो बड़ा ही रोड सा जाम लगा पड़ा है यहाँ पर, जगह बहुत ही कंजस्टेड हो रखी है। तो भाई अब तो सरकार को ना एक साइड आने जाने की कर देनी चाहिए और एक पूरा रास्ता ये कांवड़ियों के लिए डेडिकेटेड कर देना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है यार। देखिए भाई यहाँ पर सारी एक साइड में आपको पार्किंग दिख जाएगी और एक तरफ भोले कांवड़िए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर चल रहे हैं, और यहीं से ट्रैफिक भी चल रहा है। पीछे बहुत बड़े ट्रक है ना, इस वजह से अब ट्रैफिक पीछे उनके पीछे जाम लग गया। मैं तो स्कूटी थी तो साइड से जैसे तैसे करके निकाल लाया। ये देखिए भाई ये देखे बोले, देखे पूरा रोड ही घिरा पड़ा है। बोले अंदर थोड़ा सा अंदर चलो बोले। बोले 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 बोले। अब ये देखो तेजी में आ गए बोले, आगे है भाई आगे, बहुत बड़ा है दिख जाएगा। देखिए भाई अभी फोन बंद करना पड़ेगा, आगे फिर जाम लग पड़ा है। भाद्रावास का टोल प्लाजा क्रॉस करा है मैंने, और भाई यहाँ पर आपको लाइन से डीजे जितने बड़े बड़े डीजे हैं ना सारे यहीं खड़े हैं, और बहुत ज़्यादा बड़े वाले तो यहाँ से निकल भी चुके हैं। लाइन से आपको यहाँ पर एक से एक डीजे नज़र आ जाएंगे। बाकी भाई यहाँ पर अभी पतंजलि योगपीठ पास में ही, अभी वहीं जाऊँगा मैं। भाई ये देखो छोटे थे बोले को पहले, मस्ती में बजाई जा रहा है, बढ़िया लग रहा है। और भाई यहाँ सामने ना मेरे इस तरफ है पतंजलि फेज़ वन, अभी मैं यहाँ नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ फेज़ टू में जो थोड़ा सा और आगे है। चलिए भाई वहीं चलते हैं। तो भाई अभी हूँ पतंजलि अनुसंधान संस्थान, और यहाँ देखिए भाई जल की सेवा है नहाने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए। चलिए भाई थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। भाई कितना 20-22 किलोमीटर आ चुका हूँगा, सब जगह सेम नज़ारे, मतलब कोई जगह खाली नहीं है। आप जितना बढ़ते रहेंगे आपको हर जगह भोले कांवड़िए नज़र आएंगे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बड़ी संख्या में यहाँ पर कांवड़िए पहुँचते हैं। और ये सिलसिला कई दिन पहले चालू हो जाता है और लगातार ऐसे ही चलता रहेगा 2 अगस्त तक, जब तक जल नहीं चढ़ जाता। तो भाई पतंजलि योगपीठ फेज़ टू पहुंच चुका हूं मैं। चलिए भाई अभी यहां रुकेंगे थोड़ा सा,
फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो गया, उसको भी चार्ज करना है। और ये अभी पतंजलि का स्टाफ बाहर आ रहा है, छुट्टी हुई है इनकी। बड़ी संख्या में बहनें आ रही हैं पतंजलि योगपीठ से। तो भाई अभी आपने इस वीडियो में ना हरिद्वार से पतंजलि योगपीठ तक का हाईवे के सारे नज़ारे देखे। अभी मैं पतंजलि योगपीठ पहुंच चुका हूं और अभी यहां का जो भी होगा ना इधर का कवर करेंगे और यहां से फिर रिटर्न जाएंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग में को भी आप पूरा देखना। इस ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो भाई यहाँ पर सेवा के कार्य चल रहे हैं, वही मैं कवर करने आया था, मैं देखने आया था। मैंने एक वीडियो देखी थी तो मैं भी देखना चाह रहा था कि यहाँ पर भाई क्या एक्चुअल में यहाँ पर ये अपना लंगर वगैरह भोजन की व्यवस्था है या नहीं है, कि कैसा चल रहा है यहाँ पर। तो भाई बहुत बड़ी बहुत ही अच्छा, मतलब अभी एक नज़र में मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगी।